तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जीके बूस्टर सीरीज फॉर द जेकेपी, 2500 प्लस क्वेश्चन फॉर जेकेपी, जीके एसएसबी, जीके फॉर जेकेपी, फुल आपकी जेकेपी की प्रेपरेशन कराई जाएगी। आज हमारा जेकेपी का पार्ट 12 है, मिशन वर्दी जो हमने चलाई है, यानी कि आपको वर्दी इस बार जो पहननी है तो पहननी है। तो जेके एसएसबी एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो कंप्लीट बने रहें। विद पीडीएफ के साथ आपको कंप्लीट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आपको कंप्लीट जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। अगर पीडीएफ्स अपडेट नहीं होंगी तो अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप बने रहें, कंटिन्यूअसली अपनी प्रेपरेशन करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, जे रहा आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चूज द करेक्ट आंसर आपने जहां से करना है। हु वॉज द लास्ट मुगल रूलर, लास्ट मुगल रूलर कौन थे? बहादुर शाह जफर, अकबर, या जहांगीर, या औरंगजेब? तो चार ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट मुगल एम्परर वॉज द बहादुर शाह जफर। तो आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री आपने बतानी है। चाइना, कनाडा, ब्राजील, या इंडिया? तो क्या हो जाएगा, जो इंडिया है सबसे लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरोजनी नायडू इज रिलेटेड टू विच स्टेट, सरोजनी नायडू कौन से संबंध रखती थी? उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल भी मैं साथ साथ में बात कर दूँ, देहरादून, राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, मध्य प्रदेश इसकी कैपिटल भोपाल, उत्तर प्रदेश इसकी कैपिटल लखनऊ। जो सरोजनी नायडू थी वो यूपी से, उत्तर प्रदेश से संबंध रखती थी। जीव मिल्खा सिंह इज रिलेटेड टू, जीव मिल्खा सिंह किससे संबंध रखते थे ये आपने बताना है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है। जीव मिल्खा सिंह रिलेटेड टू रनिंग, बैडमिंटन, गोल्फ, या रेसलिंग? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोल्फ से वो संबंध रखते थे। तो जो मिल्खा सिंह थे वो रनिंग से रखते थे, लेकिन जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से रखते थे। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज दी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी गोपाल आचारी, नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन नंबर सी, सी गोपाल आचारी वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ जम्मू एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो आपको भी इसके साथ साथ में क्वेश्चंस बनाते रहने हैं, अपना स्कोर जरूर बताना है किन में से आपके क्वेश्चन सही हुए। जीके आपको डेली बेसिस पे शाम को 8 बजे विद फुली पीडीएफ के साथ मिलता है। पहले की अपलोडेड जो वीडियोस है, पीडीएफ्स है, वो भी आप देख सकते हो, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपको वहां से मिलते हैं। तो व्हाट इज द ओटोमान अंपायर कॉल्ड आफ्टर इट फॉल, ओटोमान अंपायर जो फॉल होने के बाद उनको क्या बोले थे? इस्तांबुल, टर्की, बोल्विया, या सीरिया? तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इस्तांबुल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्कोर 300 गोल्स इन द फुटबॉल लीग, 300 गोल्स फुटबॉल लीग में किसने करे हैं? तो इसका आपने राइट आंसर बताना है, मैसी, लैम्पार्ड, नेमार, या क्लॉप? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मैसी स्कोर्ड द 300 गोल्स इन द फुटबॉल लीग, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बद्रीनाथ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, बद्रीनाथ कौन से बैंक ऑफ रिवर पे लोकेटेड है? गोदावरी, कावेरी, अलकनंदा, या जमुना? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बद्रीनाथ इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ द अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज कॉल्ड द थाउजेंड लेक, थाउजेंड लेक हम किसे बोलते हैं? इंडोनेशिया, फिनलैंड, ब्राजील, या कनाडा? तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता हो जाती है, ठीक है, ब्राजील की ब्रासिला, कनाडा की ओटावा। तो थाउजेंड लेक आपने बताना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ ए ईयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ ए में सबसे बड़ा डे कौन सा होता है? 21 जून, 22 सितंबर, 21 मार्च, या 25 दिसंबर? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा डे जो आपका हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 21 जून इज द बिगेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ ए ईयर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन प्रिंसिपल ऑफ अंबेडकर बास, अंबेडकर का एक प्रिंसिपल क्या था वो आपने बताना है। एब्सेंस ऑफ कास्टिज्म, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्लेव रूल,
या इनमें से कोई भी नहीं। तो इधर इसका राइट आंसर हो जाएगा वन प्रिंसिपल ऑफ अंबेडकर बास एब्सेंस ऑफ कास्टिज्म, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस टेक प्लेस, कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था। तो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था, लाहौर, कोलकाता, मुंबई, नन ऑफ दिस। तो जो फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज टुक प्लेस एट द मुंबई, इन विच द 72 डेलीगेट्स वर अटेंडेड इट एंड इट वाज हेडेड बाय द सी राजा गोपाल आचारी WC बनर्जी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सानिया नेहवाल इज एसोसिएटेड विद विच गेम, सानिया नेहवाल किससे संबंध रखती थी, बैडमिंटन से, चेस से, टेनिस से या हॉकी से। तो जो सानिया नेहवाल है एसोसिएटेड थी वो बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट असेंबली, लार्जेस्ट असेंबली कौन सी स्टेट। तो महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यूपी, तमिलनाडु। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, तमिलनाडु की चेन्नई। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, लार्जेस्ट असेंबली यूपी की है। वेयर ड्यूरिंग विच पीरियड बंगाल का पार्शन हुआ था, किस पीरियड में, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड मैकले के, लॉर्ड डफरिन के, लॉर्ड कैनिंग के। एट द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल जो था वो पार्शन हुआ था। ठीक है, तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल वहां पे बना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच डिजीज इज कास्ट बाय द मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो बाइट करने से कौन सी डिजीज कास्ट होती है, जॉन्डिस, मलेरिया, ओइसोफेगस, लेप्रोसी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। विच एलिमेंट इज फाउंड इन द मैच बॉक्स, मैच बॉक्स में कौन सा एलिमेंट फाउंड होता है, रेड ऑक्साइड, रेड फॉस्फोरस, बाइट फॉस्फोरस या इनमें से कोई भी नहीं। एलिमेंट इज फाउंड इन द मैच बॉक्स, वो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रेड फॉस्फोरस, P4 स्ट्रक्चर इसका रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ डज फोटोसिंथेसिस अकर, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, ड्यू टू जाइलम, ड्यू टू फ्लोएम, ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो अकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्काई अपीयर ब्लू, स्काई क्यों ब्लू दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ वाटर की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। हाउ मैनी टाइम ए ह्यूमन बीट, ह्यूमन हार्ट बीट इन द वन मिनट, एक मिनट में जो नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट है वो कितनी होती है, 72 टाइम, 18, 63 या 12। ऑप्शन नंबर ए 72 टाइम इज द राइट ऑप्शन। एट बट टेम्परेचर डज द वाटर बॉइल एट सी लेवल, वाटर किस टेम्परेचर पे बॉइल करता है सी लेवल पे, 0 डिग्री, 100 डिग्री, 100 केल्विन या 100 फारेनहाइट। तो 22 का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है जो बॉइल कर जाता है सी लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फंक्शन डस ए माइक्रोस्कोप परफॉर्म, माइक्रोस्कोप कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एनलार्ज स्मॉल ऑब्जेक्ट, रिमूविंग ए नियर बाय ऑब्जेक्ट, श्रिंक स्मॉल ऑब्जेक्ट या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए एनलार्ज स्मॉल ऑब्जेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेसमेकर इज रिलेटेड टू, पेसमेकर किससे संबंध रखते थे, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रेन या लीवर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, व्हाट इज द मास नंबर, एटॉमिक नंबर बताना है सोडियम का, 11 दिया है तो मास नंबर सोडियम का 23.5 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली करके 23 से ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल अल्टर्स द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कौन सा जो मटेरियल है जो अल्टर करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, एसिड, बेस, कैटलिस्ट। तो राइट ऑप्शन कैटलिस्ट इज द जो रेट करता है अल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड, इनमें से कौन सा एसिड है, NaCl साल्ट है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए
कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो होता है, ठीक है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? आयरन, क्रोमियम, निकल या कार्बन। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, आयरन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन ए बॉडी, इन प्रोटीन कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर में, माउथ में या स्टॉमक में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो जे थे फ्रेंड्स आज के टॉप क्वेश्चन। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस